कहते हैं कि इंसान जो है वो स्वर्ग में आ चुके हैं। देखो आप दृश्य देखो, गुरमुख कले विच प्रगट होआ, मिटे तुंग जग जाने होआ। और सतगुरु नानक प्रगट आया, मिटे तुंग जग जानन होआ। ज्यों कर सूरज निकले तारे छपे छपे अंधेर बलुआ, सतगुरु नानक प्रगटिया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आप देख रहे हो भवनीत सिंह व्लॉग्स, और मैंने आपको जो पिछली वीडियो में दिखाया था वो नगर कीर्तन था, और कह सकते हैं प्रभात फेरी थी प्रताप नगर गुरुद्वारे की। और आज अपने हरिनगर में निकल रहा है नगर कीर्तन, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और आप सबको दिखाता हूँ। और आप सोच रहे होगे ये क्या है, ये नया माइक है, और जो पुराना वाला माइक था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती थी मतलब तार वार हैंडल करने में, तो मैंने इसलिए यही ले लिया कि ये थोड़ा ठीक लग रहा था मेरे को। आप बताना मैं इसको आज यूज़ करूँगा, और बताना कि साउंड क्वालिटी वगैरह कैसी लगी, और आप बताओ आज मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक लग रहा हूँ या नहीं। ऐसे स्मार्ट तो मैं लग रहा हूँ पर ठीक है। और अब चलते हैं नगर कीर्तन की तरफ, मिलते हैं, आपको दिखाता हूँ वहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, आओ फिर चलें। तो अभी मैं बाइक पे बैठ चुका हूँ, चलते हैं वहाँ और मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो लो जी, अभी हम पहुँच चुके हैं नगर कीर्तन के पास, और चलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गली कैसे डेकोरेट हो रखी है, एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है। थोड़ी दूर है नगर कीर्तन, वो रहा टेम्पो। बोले जहाँ जहाँ भी नगर कीर्तन लगता है वहाँ वहाँ गुरु का लंगर जरूर लगता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कैसे गुरु का लंगर चल रहा है, निरंतर चल रहा है, और ऐसे एक नहीं काफ़ी स्टॉल्स हैं, और जगह जगह लोग अपनी खुशी से पटाखे भी फोड़ रहे हैं। अभी जैसे आवाज़ सुनाई दे ही रही है आपको। लो जी, तो मैंने भी ले लिया है लंगर, लंगर में मिला है हमको ब्रेड पकौड़ा, और अभी संगत को बरताया जा रहा है। ये चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी कि यहाँ पर जो है वो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की खुशी में जो है पेस्ट्रियाँ बांटी जा रही हैं, बड़ा अच्छा है वो ये तरीका, और न्यू है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो संगत के अपने अलग अलग तरीके हैं खुशी जाहिर करने के, और एक तरीका ये भी है पेस्ट्रियाँ। ये देखो सात संगत में साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पर्व की अलग अलग बधाई है। सारी संगत संतों की पात्र है, जोड़ा कि साहिबा के प्रकाश पर्व की खुशी में नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है। संगत की सेवा करके गुरु महाराज की खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। वाहिगुरु मेहर करे समुची संगत में चढ़ती कला च रखे, आने वाला समय सब दे लई खुशियां भरिया होवे। नानक देव जी के गुरपुरब की, ये देखो यहाँ चटनी है, और यहाँ जो है चावल का प्रसाद है, और ये अभी बरताया जा रहा है। वाहेगुरु जी की फतेह। तो यहाँ प्रसाद बरताया जा रहा है, यहाँ पे सबके फेवरेट छोले भटूरे बरताए जा रहे हैं, उसकी तैयारियाँ बिल्कुल हो रखी है। नगर कीर्तन जो है वो भी आ रहा है,
नगर कीर्तन जो है वो आज मैं नगर कीर्तन में थोड़ा आगे आगे चल रहा हूँ ताकि जो पूरा नगर कीर्तन है वो कवर कर सकूँ। जो है पीछे वो साउंड काफ़ी आ रहा है और अभी चलते जा रहे हैं हम। यहाँ पे जो है फूल रेडी है आगे नगर कीर्तन में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नगर कीर्तन में डालने के लिए लोगों ने अपनी अपनी तरफ से पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। हमारे में रामगढ़िया गुरुद्वारा है, यहाँ समाप्ति है नगर कीर्तन की। ये आतिशबाजी के लिए सामान रेडी है और ये फूलों की बरखा के लिए सामान जो है वो रेडी है। अब सब संगत वेट में है कि कब पालकी साहब यहाँ जब आएगी तब ये जो हम प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करेंगे। तो जी तो इनका भी बड़ा मन है वीडियो में आने का भाई। ठीक है ये सब्सक्राइबर नहीं थे अभी मैंने, पर इनको बोल दिया जाके सब्सक्राइबर कर लेंगे ना भाई। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया थैंक यू। और घर जाके देखना ये वाली वीडियो आज ही आज। ठीक है लो जी जो अभी पटाखे हैं वो फोड़े जा रहे हैं और एक के बाद एक पटाखा जो है फोड़ा जा रहा है। तो लो जी पालकी साहब आने वाली है, जो सेवा है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे देखो जल डाल रहे हैं, ये अपनी सेवा कर रहे हैं, ये जगह को साफ करके अपनी सेवा कर रहे हैं और आप सब लोगों को ये सब दृश्य दिखा के मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ। ये भी एक सेवा है आप सब लोगों को दर्शन कराना गुरु साहब के। तो अभी सेवा चल रही है, पालकी साहब आने वाली है, ये बम लेके जा रहे हैं अभी फोड़ने के लिए। लो जी जो फूल है हमने पालकी साहब के लिए वो भी हाथ में ले लिया है, अब वो बहुत अच्छा लगेगा। ये नज़ारा जो है वो देखने वाला होता है और सिर्फ किस्मत वालों को देखने को मिलता है ये नज़ारा जो है। फूल रेडी है, सारे चीज़ें रेडी है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पंच प्यारों के रूप में कितने सुंदर लग रहे हैं देखो। तो देखा आपने ये पंच प्यारे जो है वो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं छोटे बच्चों के रूप में। कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो भगवान का रूप होते हैं। ये जो है अपना फूल रेडी है, ये बेचारा परेशान है स्काई शॉट फोड़े तो फोड़ेगा, अभी फोड़ लेंगे भाई। ये जो फूल हैं वो बिछाए जा रहे हैं मीठी धुंध जग चानन हुआ सतगुरु नानक प्रगट जग चानन हुआ सतगुरु नानक प्रगटिया।
वाहे गुरु वाहे गुरु तेरे बाणे सरबत वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट धुंद जग चानण होआ ज्यों कर सूरज निकलिया। तो अब जो है वो प्रभात फेरी की जो है वो समाप्ति हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं अपने घर और बच्चे जो हैं वो पटाखे फोड़ रहे हैं, ठीक है जी, खुशी जाहिर करने अपनी अपनी। और मैं आप सबको ये बता रहा था कि जब मैं भी छोटा होता था, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर टेंथ क्लास तक मैंने भी गत्का खेला है, और जब नगर कीर्तन होते थे तब हम सुबह 4 बजे उठ जाते थे, अपना पूरा गत्के की ड्रेस पहन के उठ जाते थे गुरुद्वारे 5 बजे तक। और मैं और मेरा दोनों छोटा भाई, हम दोनों बड़ी खुशी थे, पूरा पूरा दिन नगर कीर्तन में रहते थे और गत्का खेलते थे। फिर रात को 1 बजे थके हुए आते थे और कहते थे मम्मी आज कुछ अच्छा सा बना दो, थक गए हम बहुत ज़्यादा। तो वही पुराने दिन याद आते हैं, पुरानी यादें बचपन की नगर कीर्तन को देख के। मैं ऑलमोस्ट सारे नगर कीर्तन में जाता था जब मैं छोटा था, अब तो जैसे टाइम का कंस्ट्रेंट है तो थोड़े थोड़े मैं जहाँ जहाँ हाजिरी भर सकता हूँ खुद भी हाजिरी लगाता हूँ और आप सबको भी दर्शन कराता हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ घर पहुँच के। लो जी, अब हम पहुँच चुके हैं अपनी बाइक के पास और अब चलते हैं घर। और मैं आप सबको ये कह रहा था कि ये वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ ब्लॉग वगैरह, ये मतलब ऐसा नहीं कि ये करना है वो करना है इसलिए बना रहा हूँ, ये मेरा शौक है एक आप लोगों से बातें करना,